धेमाजीर हारुवा भूमिर परा अखम वाकिफ एई बिखेख दिन नोट मई हुबेच्छा आरो अभिनंदन जानाई छो। मंच पर उपस्थित असम के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, यहां के जनप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान जी, रामेश्वर तेली जी, असम सरकार के मंत्री डॉक्टर हेमंता बिश्वा शर्मा जी, राज्य सरकार के अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और विशाल संख्या में पधारे असम के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे तीसरी बार धेमाजी आने का, आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। और हर बार यहां के लोगों की आत्मीयता, यहां के लोगों का अपनापन, यहां के लोगों का आशीर्वाद मुझे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने का, असम के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ न कुछ नया करने की प्रेरणा देता रहता है। जब मैं यहां गोगामुख में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करने आया था तो मैंने कहा था नॉर्थ ईस्ट भारत का ग्रोथ का नया इंजन बनेगा। आज हम इस विश्वास को हमारी आंखों के सामने धरती पर उतरता देख रहे हैं। भाइयों और बहनों, ब्रह्मपुत्र के इसी नॉर्थ बैंक से 8 दशक पहले असमिया सिनेमा ने अपनी यात्रा जॉयमती फिल्म के साथ शुरू की थी। इस क्षेत्र ने असम की संस्कृति का गौरव बढ़ाने वाले अनेक व्यक्तित्व दिए हैं। रूप कुंवर, ज्योति प्रसाद अग्रवाल हो, कला गुरु विश्व प्रसाद राबा हो, नच सूर्य फणी शर्मा हो, इन्होंने असम की पहचान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने कभी लिखा था, लुइतुर पार दुटी जिलिक उठी बराती ज्वली हत देवालिर बनती। ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारे दिवाली में झलने वाले दीप से रोशन होंगे। और कल मैंने खास करके मीडिया में, सोशल मीडिया में देखा कि आपने इस क्षेत्र में कैसे दिवाली मनाई, कैसे हजारों दीप जलाए। दीयों का वो प्रकाश शांति और स्थायित्व के बीच असम में होते विकास की तस्वीर भी है। केंद्र और असम सरकार मिलकर राज्य के संतुलित विकास में जुटी है और इस विकास
का एक बड़ा आधार है असम का इंफ्रास्ट्रक्चर। साथियों, नॉर्थ बैंक में भरपूर सामर्थ्य होने के बावजूद पहले की सरकारों ने इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया। यहां की कनेक्टिविटी हो, अस्पताल हो, शिक्षा के संस्थान हो, उद्योग हो, पहले की सरकारों की प्राथमिकता में नजर ही नहीं आ रहे थे। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस मंत्र पर काम कर रही हमारी सरकार ने, सर्बानंद जी की सरकार ने इस भेदभाव को दूर किया है। जिस बोगीबील ब्रिज का इस क्षेत्र को बरसों से इंतजार था, उसका काम हमारी ही सरकार ने तेजी से पूरा करवाया। नॉर्थ बैंक में ब्रॉडगेज रेलवे लाइन हमारी ही सरकार के आने के बाद पहुंच पाई। ब्रह्मपुत्र पर दूसरा कलिया भूमरा ब्रिज यहां की कनेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा देगा, इसे भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। नॉर्थ बैंक में 4 लेन के नेशनल हाईवे का काम भी तेजी से चल रहा है। पिछले हफ्ते ही महाबाहु ब्रह्मपुत्र से यहां जलमार्ग कनेक्टिविटी को लेकर नए कार्यों की शुरुआत हुई है। बोगाई गांव के जोगी थोपा में एक बड़े टर्मिनल और लॉजिस्टिक पार्क पर काम भी शुरू हो चुका है। साथियों, इसी कड़ी में आज असम को 3,000 करोड़ से ज्यादा के एनर्जी और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एक नया उपहार मिला रहा है। धेमाजी और सुवालकुची में इंजीनियरिंग कॉलेज हो, बोगई गांव की रिफाइनरी के विस्तार का काम हो, डिब्रूगढ़ में सैकड़े टैंक फार्म हो, या फिर तिनसुखिया में गैस कंप्रेसर स्टेशन, ये प्रोजेक्ट ऊर्जा और शिक्षा के हब के रूप में इस क्षेत्र की पहचान को सशक्त करेंगे। ये प्रोजेक्ट असम के साथ ही मजबूत हुए, तेज गति से मजबूत होते पूर्वी भारत के भी प्रतीक है। साथियों, आत्मनिर्भर बनते भारत के लिए लगातार अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमताओं में वृद्धि करना ये अत्यंत आवश्यक है। बीते वर्षों में हमने भारत में ही रिफाइनिंग और इमरजेंसी के लिए ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी को काफी ज्यादा बढ़ाया है। बोगाई गांव रिफाइनरी में भी रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई है। आज जिस गैस यूनिट का लोकार्पण किया गया है, वो यहां एलपीजी उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने वाला है। इन सारे प्रोजेक्ट से असम और नॉर्थ ईस्ट में लोगों का जीवन आसान होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। भाइयों और बहनों, जब किसी व्यक्ति उसकी मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं, तो
तो उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। बढ़ता हुआ ये आत्मविश्वास क्षेत्र का भी विकास करता है और देश का भी विकास करता है। आज हमारी सरकार उन लोगों, उन क्षेत्रों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है जहां पहले सुविधाएं नहीं पहुंची थी, अब व्यवस्था ने उनको सुविधा देने पर बल दिया है। पहले लोगों ने सब कुछ उनके नसीब पर छोड़ दिया था। आप सोचिए, 2014 से पहले तक देश के हर 100 परिवारों में से सिर्फ 50-55 परिवारों के, यानी करीब करीब आधे घरों में ही एलपीजी गैस कनेक्शन था। असम में तो रिफाइनरी और सुविधाओं के बावजूद भी 100 में से सिर्फ 40 परिवारों के पास ही गैस कनेक्शन उपलब्ध था, 60 लोगों के पास नहीं था। गरीब बहनों बेटियों को रसोई के धुएं और बीमारियों के जाल में रहना उनके जीवन की बहुत बड़ी मजबूरी थी। हमने उज्ज्वला योजना के माध्यम से स्थिति को बदल दिया है। असम में आज गैस कनेक्शन का दायरा तकरीबन करीब करीब 100% हो रहा है। यहां बोगईगांव रिफाइनरी के इर्द गिर्द के जिलों में ही 2014 के बाद 3 गुना से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन बढ़ गए हैं। अब इस बार के केंद्रीय बजट में 1 करोड़ और गरीब बहनों को उज्ज्वला के मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया है। साथियों, गैस कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, खाद उत्पादन हो, इसमें कमी का सबसे ज्यादा नुकसान हमारे देश के गरीब को, हमारे देश के छोटे किसान को ही होता है। आजादी के दशकों बाद भी जिन 18,000 गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी, उनमें से अधिकतर गांव असम के थे, नॉर्थ ईस्ट के थे। पूर्वी भारत के अनेक फर्टिलाइजर कारखाने गैस के अभाव में या तो बंद हो गए या फिर बीमार घोषित कर दिए गए। भुगतना किसको पड़ा? यहां के गरीब को, यहां के मध्यम वर्ग को, यहां के नौजवान को। पहले की गलतियां को सुधारने के लिए उसका काम हमारी सरकार ही कर रही है। आज प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत पूर्वी भारत को दुनिया की बड़ी गैस पाइपलाइन में से एक के जरिए जोड़ा जा रहा है। नीति सही हो, नियत साफ हो तो नियत भी बदल जाती है, नियति भी बदल जाती है। बुरी नियत का खात्मा हो जाता है और नियति जन जन का भाग्य भी बदलती है। आज देश में जो गैस पाइपलाइन का नेटवर्क तैयार हो रहा है, देश के हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है, हर घर जल पहुंचाने के लिए पाइप लगाया जा रहा है, ये भारत मां की गोद में ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया जा रहा है वो सिर्फ लोहे की पाइप
या फाइबर नहीं है, ये तो भारत मां की नई भाग्य रेखाएं हैं। भाइयों और बहनों, आत्मनिर्भर भारत को गति देने में हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर, टेक्नीशियन के सशक्त टैलेंट पूल की बड़ी भूमिका है। बीते सालों में देश में एक ऐसा माहौल बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं जहां देश के नौजवान समस्याओं का समाधान नए नए इनोवेटिव तरीके से करें, स्टार्टअप से दें। आज पूरी दुनिया भारत के इंजीनियर्स का, भारत के टेक्नोक्रेट्स का लोहा मान रही है। असम के युवाओं को उनकी तो अद्भुत क्षमता, इस क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जी जान से जुटी है। असम सरकार के प्रयासों के कारण ही आज यहां 20 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हो चुके हैं। आज धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके लोकार्पण और सुवालकुची इंजीनियरिंग कॉलेज, इसके शिलान्यास से ये स्थिति और मजबूत हो रही है। धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज तो नॉर्थ बैंक का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। मुझे बताया गया है कि ऐसे ही 3 और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की प्रक्रिया चल रही है। बेटियों के लिए विशेष कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो या दूसरे संस्थान, असम की सरकार इसके लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। भाइयों और बहनों, असम सरकार यहां नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश कर रही है। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लाभ असम को, यहां के जनजातीय समाज को, चाय बागान में काम करने वाले मेरे श्रमिक भाइयों बहनों के बच्चों को बहुत अधिक लाभ होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि इसमें स्थानीय भाषा में पढ़ाई और स्थानीय व्यवसायों से जुड़े कौशल, उसके निर्माण पर बल दिया गया है। जब स्थानीय भाषा में मेडिकल पढ़ाई होगी, जब स्थानीय भाषा में टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी, तो गरीब से गरीब के बच्चे भी डॉक्टर बन सकेंगे, इंजीनियर बन सकेंगे और देश का कल्याण करेंगे। गरीब से गरीब मां बाप के सपने पूरे कर पाएंगे। असम जैसा राज्य जहां टी, टूरिज्म, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट आत्मनिर्भरता की बहुत बड़ी ताकत है, ऐसे में यहां के युवा जब इन स्किल्स को स्कूल और कॉलेज में ही सीखेंगे तो इससे बहुत लाभ होने वाला है। आत्मनिर्भरता की नींव वहीं से जुड़ने वाली है। इस साल के बजट में भी जनजातीय क्षेत्रों में सैकड़ों नए एकलव्य मॉडल स्कूल खोलने का प्रावधान किया गया है, जिसका लाभ भी असम को मिलेगा। साथियों, ब्रह्मपुत्र के आशीर्वाद से इस क्षेत्र की जमीन बहुत ही उपजाऊ रही है। यहां के किसान अपने सामर्थ्य को बढ़ा सके, उन्हें खेती की आधुनिक सुविधाएं मिल सके, उनकी आय बढ़े, इसके राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। किसानों के बैंक खातों में
सीधे पैसे ट्रांसफर करना हो, किसानों को पेंशन के लिए योजना शुरू करना हो, उन्हें अच्छे बीज देना हो, सॉयल हेल्थ कार्ड देना हो, उनकी हर जरूरत सर्वोपरि रखते हुए काम किया जा रहा है। मछली पालन पर विशेष जोर देते हमारी सरकार ने मछली पालन से जुड़ा एक अलग मंत्रालय काफी पहले ही बना चुकी है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए जितना आजादी के बाद से खर्च नहीं हुआ उससे ज्यादा अब हमारी सरकार खर्च कर रही है। मछली व्यवसाय से जुड़े किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी योजना भी बनाई गई है, जिसका लाभ असम के मेरे मत्स्य उद्योग से जुड़े भाइयों को भी मिलेगा। सरकार का प्रयास है कि असम का किसान, देश का किसान जो पैदावार करता है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचे, इसके लिए कृषि से जुड़े कानूनों में भी सुधार किया गया है। साथियों, असम की अर्थव्यवस्था में नॉर्थ बैंक के टी गार्डन्स की भी बहुत बड़ी भूमिका है। इन टी गार्डन्स, उसमें काम करने वाले हमारे भाइयों बहनों को जीवन आसान बने, ये भी हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। मैं असम सरकार की प्रशंसा करूंगा कि उसने छोटे चाय उत्पादकों को जमीन का पट्टा देने का भी अभियान चलाया हुआ है। भाइयों और बहनों, जिन लोगों ने दशकों तक देश पर राज किया, उन्होंने दिसपुर को दिल्ली से बहुत दूर मान लिया था। इस सोच की वजह से असम का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अब दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली आपके दरवाजे पर खड़ा है। बीते वर्षों में सैकड़ों बार केंद्र सरकार के मंत्रियों को यहां भेजा गया है ताकि आपकी मुश्किलें वो जाने, जमीन पर जो काम हो रहा है उसे देखें और आपकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बननी चाहिए, और वो दिशा में हम प्रयास किया है। मैं भी अनेकों बार आसाम आया हूं ताकि आपके बीच आकर आपकी विकास यात्रा में मैं भी एक सहभागी बन सकूं। असम के पास सब कुछ है, जो यहां के हर नागरिक को बेहतर जीवन देने के लिए चाहिए। अब जरूरत इसकी है कि विकास का प्रगति का जो डबल इंजन चल रहा है, जरा उस डबल इंजन को और मजबूत करने का मौका आपके पास आ रहा है। मैं असम के लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से असम के विकास में और तेज गति आएगी, असम विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं अब आप चुनाव का इंतजार करते होंगे, शायद मुझे याद है कि पिछली बार जब चुनाव घोषित हुआ था वो शायद 4 मार्च को हुआ था। इस बार भी मैं संभावना देखता हूं कि मार्च के प्रथम सप्ताह में कभी भी चुनाव की घोषणा हो जाएगी,
इलेक्शन कमीशन का वो काम है वो करेंगे, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि चुनाव घोषणा होने से पहले जितनी बार असम आ सकूं, पश्चिम बंगाल जा सकूं, केरल जा सकूं, तमिलनाडु जा सकूं, पुडुचेरी जा सकूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मार्च 7 अगर मान ले हम चुनाव घोषणा की, तो ये जो भी समय मिलेगा, क्योंकि पिछली बार 4 मार्च को हुआ था, उसके आसपास इस बार भी हो सकता है, जो भी हो मैं आपके बीच आने का निरंतर प्रयास करता रहूंगा। और भाइयों बहनों, आज इतनी बड़ी तादाद में आकर के आपने हमें आशीर्वाद दिए हैं, विकास की यात्रा के लिए आपने हमारे विश्वास को मजबूत किया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार इतनी सारी विकास की योजनाओं के लिए, आत्मनिर्भर असम बनाने के लिए, भारत के निर्माण में असम के योगदान के लिए, असम की युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए, असम के मछुआरे हो, असम के किसान हो, असम की माताएं बहनें हो, असम का मेरा आदिवासी भाई बहन हो, हर एक के कल्याण के लिए आज जो अनेक विधि योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है, इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मेरे नाम लीजिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 India को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।